जैविक खेती व गौत्पादों से ही स्वावलंबी होंगी गौशालाएं। जोराराम कुमावत। ठाकुर जी के दर्शन व गौमाता के पूजन के बाद पशुपालन एवं डेयरी गोपालन मंत्री ने संभाला पदभार। जयपुर। पशुपालन एवं डेयरी गोपालन देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने सोमवार दोपहर 12:15 बजे शासन सचिवालय के मंत्रालय भवन के कक्ष संख्या 6010 में पदभार ग्रहण कर लिया। इससे पहले उन्होंने आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर पहुंचकर ठाकुर जी के दर्शन किए। महंत मानस गोस्वामी ने पूजा अर्चना करवाए। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। ठाकुर जी के दर्शन व पूजा अर्चना के बाद मंत्री जी ने भक्तों से बातचीत भी की। साथ ही उन्होंने मंदिर परिसर स्थित गंगा महारानी मंदिर और गोपाल जी के मंदिर के दर्शन भी किए। साथ ही मंत्री ने मीठी प्याऊ पर पानी पिया। इस दौरान यहां उनका मंदिर प्रशासन की ओर से आराध्य देव की तस्वीर भेंट कर सम्मान किया गया। गौपूजन के बाद किया श्री पिंजरापोल गौशाला का भ्रमण। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने ठाकुर जी के दर्शन कर टोंक रोड स्थित श्री पिंजरापोल गौशाला पहुंचकर गौमाता का पूजन किया। श्री पिंजरापोल गौशाला समिति के महामंत्री शिवरतन चितलांगिया व सदस्य राधेश्याम विजयवर्गीय, हैनीमैन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी की सचिव मोनिका गुप्ता व भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अतुल गुप्ता, मोदी आर्मी सेना के प्रदेश अध्यक्ष नीरज शर्मा ने मंत्री जोराराम कुमावत का सम्मान भी किया गया। साथ ही जोराराम कुमावत ने सनराइज ऑर्गेनिक पार्क में गौ उत्पादों के निर्माण इकाई का अवलोकन तथा गौशाला का भ्रमण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रदेश में जैविक को बढ़ावा देने व गौ उत्पादों के निर्माण व उनकी बिक्री के समुचित प्रबंधन के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ व्यापक स्तर पर कार्ययोजना बनाई जाएगी। सनराइज पार्क में मंत्री को गौ उत्पाद देकर सम्मानित भी किया गया। साथ ही उन्होंने अयोध्या में श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सामूहिक सुंदरकांड हनुमान चालीसा पाठ एवं महाआरती के पोस्टर का विमोचन किया। इस मौके पर नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर व सैकड़ों की संख्या में गौभक्तों ने मंत्री के साथ गौमाता को गुड़ चारा व पौष्टिक आहार खिलाया। मंत्रालय में भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं व अधिकारियों ने किया सम्मान। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने दोपहर 12:15 बजे पूजा अर्चना के बाद अपना पदभार संभाल लिया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चंपालाल गैदर, आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, आंसीद विधायक जबर सिंह सांखला, फुलेरा के पूर्व विधायक निर्मल कुमावत, मकराना के पूर्व विधायक रूपाराम मुरवतिया, दीपक कड़वासरा, गजनंद कुमावत, सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक प्रताप सिंह बीठिया व सुनील कुमावत, प्रदेश मंत्री मधु कुमावत सहित अनेक नेताओं कार्यकर्ताओं व संबंधित विभागों के अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट व मालाएं पहनाकर उनका अभिनंदन किया। दोपहर बाद जोराराम कुमावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें खासकर आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्रीराम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर प्रदेश भर के मंदिरों में भव्य दीपोत्सव का भव्य आयोजन करने के निर्देश दिए।